नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को रेडियो पर मन की बात की। अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को नवरात्रि समेत दूसरे त्योहारों की बधाई दी। 150वीं गांधी जयंती को विशेष मनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने और नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने ई सिगरेट का जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में केरल की एक नन सिस्टर मरियम थ्रेसिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह हमारी भारत माता, यह हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है। अनेक मानव रत्न इस धरती से निकले हैं। भारतवर्ष ऐसे असाधारण लोगों की जन्मभूमि रहा है, कर्मभूमि रहा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, औरों के लिए अपने आप को खपा दिया है। ऐसी ही एक महान विभूति को 13 अक्टूबर को वेटिकन सिटी में सम्मानित किया जा रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि पोप फ्रांसिस आने वाले 13 अक्टूबर को मरियम थ्रेसिया को संत घोषित करेंगे। सिस्टर मरियम थ्रेसिया ने 50 साल के अपने छोटे से जीवन काल में ही मानवता की भलाई के लिए जो कार्य किए, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र से उनका अद्भुत लगाव था। उन्होंने कई स्कूल, हॉस्टल और अनाथालय बनवाए और जीवन पर्यंत इस मिशन में लगी रही। सिस्टर थ्रेसिया ने जो भी कार्य किया, उसे निष्ठा और लगन के साथ पूरे समर्पण भाव से पूरा किया। उन्होंने कांग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की, जो आज भी उनके जीवन दर्शन और मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मैं एक बार फिर से सिस्टर मरियम थ्रेसिया को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के लोगों को, खास तौर पर हमारे ईसाई भाई बहनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से ही लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर कौन है मरियम थ्रेसिया। सिस्टर मरियम थ्रेसिया का जन्म 26 अप्रैल 1876 को केरल के त्रिशूर जिले में हुआ था। उनका संबंध सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च से है। उनके माता पिता ने उनका नाम संत तेरेसा के नाम पर रखा था। शुरू से ही धार्मिक किस्म की रहीं, हफ्ते में 4 दिन उपवास रखती थी। उपवास की वजह से वो पतली होने लगी तो माँ को चिंता हुई, लेकिन जब थ्रेसिया 12 साल की थी तो उनकी माँ का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद को चर्च के लिए समर्पित कर दिया, गरीबों की सेवा में लग गईं। मरियम थ्रेसिया ने होली फैमिली नाम की संस्था की स्थापना की। वेटिकन सिटी के एक दस्तावेज के मुताबिक उन्होंने कई स्कूल, हॉस्टल, अनाथालय और कॉन्वेंट बनाए और संचालित किए। सिस्टर मरियम को लड़कियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों के लिए भी याद किया जाता है। सिस्टर मरियम ने 3 नए कॉन्वेंट, 2 स्कूल, 2 हॉस्टल, 1 स्टडी हाउस और 1 अनाथालय का निर्माण किया था। चर्च के एक दस्तावेज में कहा गया है कि 8 जून 1926 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय तक मंडली में 55 सिस्टर, 30 बेघर और 10 अनाथ रहते थे। सिस्टर मरियम थ्रेसिया की तुलना मदर थ्रेसा से भी होती है, जिन्होंने गरीबों की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। सिस्टर मरियम के बारे में कहा जाता है कि अंतिम समय तक वो समाज के हर तबके के गरीबों और बीमारों की सेवा में लगी रहीं। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 9 अप्रैल सन 2000 को उन्हें धन्य घोषित किया था। यह संत बनने से पहले की एक उपाधि है, जिसे ईसाई समुदाय की सर्वोच्च संस्था वेटिकन की ओर से दिया जाता है। आमतौर पर धन्य घोषित करने की प्रक्रिया उम्मीदवार की मौत के 5 साल बाद शुरू हो जाती है, लेकिन मरियम थ्रेसिया के मामले में यह बहुत लंबा खींच गया। अब उनकी मृत्यु के लगभग 93 साल बाद उन्हें संत की उपाधि दी जा रही है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, जैसा कि पीएम मोदी ने भी मन की बात में कहा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।